हेलो एवरीवन, सहानी फूड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पनीर टिक्का मसाला। ये दिखने में जितना ही टेस्टी लग रहा है और सुंदर दिख रहा है, उतना ही ये इसे बनाने में थोड़ा पेचीदा है। तो चलते हैं, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने पनीर के पीसेस थोड़े बड़े बड़े आकार में कट कर लिया है। और यहाँ हमने दही ले लिया है। दही हम इसमें 3 स्पून यूज़ करने वाले हैं। बेसन 1 टेबल स्पून, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी और नमक। तो हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम फर्स्ट दही डाल देंगे। बेसन, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया और कस्तूरी मेथी, नमक भी हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फाइनली मिला लेंगे। इसमें हमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। तो अब हम इसमें अपने पनीर के पीसेस थोड़े थोड़े ऐड करके इसे मिलाते जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। हमें इसे पूरी तरीके से सारे पनीरों में ऐड कर लेना है और ये अच्छे से कोटिंग को चारों तरफ से मिला लेना है। तो ये देखिए, हमने अपने पनीर में सारे मसालों को ऐड कर लिया है, इसे अच्छे से मिला लिया है। हमारे पेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पनीर में मिल चुकी है। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में 20 मिनट्स के लिए और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे जीरा ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी और धनिया पाउडर, और यहाँ पे ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर का प्यूरी, चीनी, बेसन और गरम मसाला, धनिया पत्ता इधर ले लिया है, और एक बड़े से चम्मच में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके रखा है। मैं आपको बताऊँगी कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है। तो ये रहा हमारी सामग्री जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रिज से इसे निकाल लिया है, ये पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। तो हमने इधर तवा को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। गर्म होते ही हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये गर्म हो चुकी है। तो अब हम अपने पनीर के पीसेस को इसमें एक एक करके प्लेस्ट कर देंगे। हल्के हाथों से इसे उठाना है, नहीं तो हमारे पनीर टूट जाएगी। तो इसी तरीके से हम अपने सारे पनीर को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें तवे में प्लेस कर दिया है और इसे हम अच्छे से सुनहरा ब्राउन, बहुत ही अच्छे से इसे डीप फ्राई कर देंगे।
वो भी कम तेल में। तो ये देखिए दोस्तों, इसे बीच बीच में चलाते रहें। हमें चारों तरफ से करना है इसीलिए। तो ये देखिए हमारे पनीर के पीसेस अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और ये डार्क ब्राउन हो चुका है। कुछ कुछ साइड से नहीं हुई है तो हम उसे भी टर्न करके कर लेंगे। तो अब हम इसे उठा के हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हम इसमें एक कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसकी कढ़ी की, ग्रेवी की। तो गर्म हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करते ही ये धुआं छोड़ने लगा है, तो ये हम साथ ही साथ हम इसमें अपने जीरा भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है। तो अब हम अपने मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो ये रहा लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, कस्तूरी मेथी और जीरा मसाला, इसे मिला लेंगे। हम जब इसे मसालों को मिलाएं तो याद रखें कि गैस की फ्लेम को लो करके रखें। तो हम अब साथ ही साथ इसमें अपने टमाटर के प्यूरे ऐड कर देंगे। तो बचा हुआ जो बेसन पड़ा था हमारा बैटर वाली, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिला के हम अपनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने एक छोटा सा गैस फ्लेम को ऑन कर दिया है, छोटी वाली, और इसमें मैंने इस ऑयल को जिस जो मैंने बड़े वाले चम्मच में रखा था इसे मैंने ऐड रख दिया है गर्म होने के लिए। और हम अब इसमें अपना 1 चम्मच बेसन को इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला के पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इसे हमें इसी तरीके से चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना।
तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, पर इसे हमें और भूनना पड़ेगा ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना ना डालें। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये पक चुका होगा अच्छी तरीके से, तो इसे हम छोड़ देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए फ्लपीनेस आ गई है, ये पूरा फूल रही है। अगर हम इसका गैस का फ्लेम अभी ऑफ भी कर देंगे तो भी आप देखिएगा कि ये पूरी तरीके से फूल जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे। तो हम अब इधर नमक ऐड कर रहे हैं, तो मैं आप दिखाती हूँ इधर हमारा बेसन का क्या हो रहा है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल रही है, इसका मतलब ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अब हम इसे अपने कढ़ी में ऐड कर देंगे मसालों के साथ और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम मसालों के साथ इसे अच्छे से मिला के अच्छे से पका लेंगे, और साथ ही साथ अब हम इसमें अपने ग्रीन चिली भी ऐड कर देते हैं। और हाँ, आप देख ही सकते हैं हमारे मसाले पक चुके हैं क्योंकि तेल छोड़ चुका है। तो फिर भी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, और अब हम इसमें अपने गरम मसालों को ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें अपने कटे हुए कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ते को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और साथ ही साथ अब हम अपने पनीर के टिक्के को ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिला के हमें मसालों में हल्का सा रखना है इसे, ताकि मसालों का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर पनीर के अंदर अच्छी तरीके से चला जाए, और हम जब पनीर खाए तो पूरी तरीके से हमारे मसालों का फ्लेवर उसमें आ जाए। तो इसे हमें एक उबाल आने देना है। तो ये देखिए ये अच्छी से उबाल आ चुकी है, तो अब हम इसका गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब हम आपको सर्विंग बाउल में इसे निकाल कर दिखाते हैं, हम आपको सर्व करते हुए थोड़ा सा निकालते हुए भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए पनीर के पीसे पूरे खिले खिले पनीर के पीसेस है, तो हम इसी तरीके से पूरी पनीर अपने निकाल लेंगे। इसमें हमारा पनीर टिक्का मसाला हम सर्व कर रहे हैं इसे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। तो मेरा ये डिश आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू और मेरे इस सहानी फूड से जुड़े रहें।